नमस्कार, एमकेएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। कांग्रेस में अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। नया मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी का है, जहां नव संकल्प कार्यशाला कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस से निष्कासित कार्यकर्ता उवेश राजा अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए, जहां उनका कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश में विवाद हो गया। इस दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और कार्यक्रम में जमकर कुर्सी चली, जिसके बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने मामले को शांत करवाया। देखिए, नाराजगी का तो हमें पता नहीं। हम लोग तो कांग्रेस के प्रोग्राम में आए थे, और जब हमने कांग्रेस की सदस्यता कभी ली नहीं, ना मेंबरशिप हमने कभी ली है, तो हमें कुछ लोगों ने अगर निष्कासित कर दिया तो अब ये उनकी मर्जी है। हमने तो कभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। अगर सदस्यता ली हो या हमने कभी कांग्रेस की मेंबरशिप ली हो तो आप सार्वजनिक कर रहे हैं, लोग कागज निष्कासित कर दिया। अब निष्कासित कर भी दिया, चलो मन मर्जी चल भी रही है, या अगर आपके माना गुंडागर्दी चल रही है आपकी पार्टी में, तो हम किसी यहाँ लोकल नेता के साथ नहीं आए थे, हम अपने नेताजी के साथ आए थे यहाँ पर। मैं यही कहना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं है, अगर सुमित हृदयेश कांग्रेस के खिलाफ काम करे तो सुमित हृदयेश को कांग्रेस से निकाल दिया जाए, तो कांग्रेस की किसी भी मीटिंग में सुमित हृदयेश का कोई आने का वो नहीं है। तो एक व्यक्ति जिसको यहाँ के महानगर कांग्रेस ने, जिला कांग्रेस ने निष्कासित करा हुआ है, वो चौड़ा होकर कैसे कांग्रेस की बैठक में, हमारे चिंतन शिविर में आ सकता है जो व्यक्ति विरोध करता है? तो बवाल, तो देखिए बवाल तो वो करते हैं, हम लोग तो थोड़ा सा अनुशासन लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अनुशासित तो रहना ही पड़ेगा, संगठित भी रहना ही पड़ेगा। पिछले एक महीने से ग्राम पंचायत जयपुर खीमा का धनपुर गांव लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहा है। फसलों को पानी न मिलने से खेत पूरी तरह सूख कर बंजर होते जा रहे हैं, जिसके चलते संकट गहराता जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने समस्या को लेकर नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मेरी ग्राम पंचायत के ग्राम धनपुर में जो 8 नंबर ट्यूबवेल है और जयपुर खीमा में ट्यूबवेल है, जो सिंचाई के लिए इनका यूज़ करा जाता है, पेयजल में भी इसका यूज़ है, लेकिन कई समय से लो वोल्टेज के कारण पानी का सप्लाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। मुझे सिंचाई के लिए प्रॉब्लम आ रही है, जैसे काश्तकार लोग सिंचाई के लिए जाते हैं तो लो वोल्टेज की वजह से वो ट्यूबवेल ऑपरेट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से टेल तक पानी जाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी समस्या है ट्यूबवेल की। यहाँ पर ट्यूबवेल ये एक महीना हो गया लगभग, ये चल नहीं पा रहा है लो वोल्टेज की उससे, तो हम लोग इसी ट्यूबवेल पर निर्भर हैं। बाहर का पानी यहाँ पर आ नहीं पाता है, ऊपर जैसे केनाल का पानी, तो यहाँ पर पावर हाउस जाते हैं तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे पास ऊपर से ही वोल्टेज कम है, हम इससे ऊपर वोल्टेज हमारे यहाँ कोई मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और हमारी गन्ने की फसल जो है बिल्कुल सूख चुकी है, कोई भी अफसर आके यहाँ पर आके देख ले तो गन्ना बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। विभाग का कोई कर्मचारी इधर झांकने को तैयार नहीं है, और हमारे प्रधान जी जो हैं अथक प्रयासों में लगे हुए हैं। ये उन्हीं की देन है जो फसल बची हुई चीज है, थोड़ी सी भी अगर इसमें एक्स्ट्रा लग जाए एक तो बहुत अति उत्तम है। व्यापारी को बंधक बनाकर अवैध वसूली करने के आरोप में आगरा में फाउंड्री नगर चौकी के इंचार्ज नीलकमल चौधरी और दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। गौरतलब है कि हाथरस के बिसाबर कस्बे में रहने वाले दो व्यापारियों ने जेवरात और नगदी के लिए तीनों पुलिस कर्मियों पर बंधक बनाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामले में संज्ञान लेते हुए तीनों आरोपियों को निलंबित कर जाँच के आदेश दिए हैं। ये एक आज हम और डीएम साहब दोनों यहाँ एतमादौला थाना क्षेत्र में थाने में आए थे। आज यहाँ पर थाना समाधान दिवस था, उसी दौरान एक हाथरस के बिसावर गांव के और सादाबाद थाने के व्यक्ति आए और उनके द्वारा बताया गया कि वो चांदी के घुंघरू बनाने का काम करते हैं और यहाँ पर यहाँ से कच्चा माल ले जाते हैं, घुंघरू बनाने के बाद वापस करते हैं। दिनांक 7 तारीख को वो यहाँ पर आए थे और थाना फाउंड्री नगर चौकी के कुछ कर्मचारी उन्हें चौकी पर ले गए थे, और उसके बाद उनके द्वारा उनसे पैसे लेकर उन्हें देर रात्रि में छोड़ा गया। मेरे द्वारा तत्काल उसका संज्ञान लिया गया, इनके बयान मेरे स्वयं के द्वारा दर्ज किए गए हैं। आपसी अंतर्कलह झेल रही कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने जुटी है, जिसके चलते हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ पद अधिकारी, विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान एक निष्कासित नेता और विधायक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों को बाहर का रास्ता दिखाकर नई रणनीति पर मंथन किया गया। देखिए, ये तो सबसे पहले जो उदयपुर में नव संकल्प शिविर हुआ था और उसके क्रियान्वयन के लिए प्रदेश स्तर पे, अब जिला स्तर पे ये कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है। चिंतन की आवश्यकता है, जो परिणाम आए वो हमारे पक्ष में नहीं आए, और जो आज की
आर्थिक सामाजिक न्यायिक परिस्थितियां हैं और सामाजिक ताने बाने को जिस तरीके से ध्वस्त करने का प्रयास करा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इस पे मंथन चिंतन और कांग्रेस अब कैसे योगदान दे सकती है इस भारत को जो तोड़ा जा रहा है इसको जोड़ने में, इस पे गहन विचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के उदयपुर में एक चिंतन बैठक की और उसमें कुछ संकल्प लिए जिसको लेकर पहले प्रदेश स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर इसका क्रियान्वयन होना है और इसका मकसद एक ही है कि पार्टी को कैसे खड़ा किया जाए, क्योंकि आज जो विरोधी पार्टी है वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में सीएम बघेल ने वीडियो कॉल कर जानकारी ली। उन्होंने बोरवेल में गिरे 11 वर्षीय बच्चे के परिजनों से पूरे सहयोग करने की बात कही, जिसके बाद रेस्क्यू कर रही टीम से बात कर हालात का जायजा लिया और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते इंदौर के देपालपुर में स्थानीय विधायक विशाल जगदीश पटेल ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और संभावित प्रत्याशियों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि लंबे अरसे के बाद प्रदेश में चुनाव हो रहा है जिसके चलते सभी लोग खुश हैं। वहीं दूसरी ओर अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वालों के पास प्रत्याशी नहीं है। अलग ही उत्साह देखने को मिला सभी व्यक्तियों में और एक माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। हर एक व्यक्ति खुशहाल है कि कहीं ना कहीं वापस एक लंबे अरसे के बाद चुनाव हो रहा है, जो उनका मौलिक अधिकार था। कहीं ना कहीं राजनीतिक बलि चढ़ रही थी आम जनता। संविधान में लिखा है कि 5 वर्षों में चुनाव होना चाहिए, लेकिन सरकार की मनमानी के चलते, उनके आचरण के चलते उन्होंने जो वादा खिलाफी करी वो आम जनता को फेस नहीं कर पा रहे थे, इस कारण से लंबा समय हो गया चुनाव। रायपुर के जांजगीर में 60 फीट गहरे बोरवेल में एक 11 साल का बच्चा गिर गया, जिसके बाद बच्चे को बोरवेल से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इसी बीच सीएम बघेल ने कहा कि बच्चे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम बोरवेल के पास सुरंग खोदकर बच्चे को बचाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा रेस्क्यू के लिए रोबोट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बच्चे को सुरक्षित निकाला जा सके। देश में पड़ रही भीषण गर्मी से जनता बेहाल है। इस बीच आगरा में ताजमहल देखने आ रहे सैलानियों को ताजमहल परिसर में पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। अव्यवस्था का आलम यह है कि परिसर में बने नल सूख कर शोपीस बन चुके हैं, जिसके चलते हर उम्र तबका और शहर के सैलानी परेशान हो रहे हैं। पंचायत चुनाव में शराब पर पुलिस ने पाबंदी लगाई तो गांजा तस्करी बढ़ गई। हरियाणा से ग्वालियर लेकर जा रहे करीब 2 लाख रुपए के गांजे के साथ पुलिस ने घेराबंदी कर 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि आगरा की ओर से गांजा बड़ी खेप ग्वालियर सप्लाई होने जा रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की। उसी दौरान हाईवे पर एक ट्रक बड़ा गाँव भूमिया पहाड़ी के पास आकर रुका, उसमें 3 युवक निकले। वहीं पुलिस ने ट्रक से उतरे 3 युवकों को संदेह के आधार पर निगरानी में लेकर तलाशी ली तो उनके पास से 3 बैग में 11 किलो 800 ग्राम गांजा मिला। इस गांजे की कीमत बाजार में 2,76,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने तस्करों से 13 एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड सहित 27,000 रुपए नकद बरामद किए। पूछताछ करने पर तस्करों ने अपना नाम वसीम खान, सलीम खान व अयाश खान निवासी पलवल हरियाणा बताया। तस्करों ने बताया कि वह हरियाणा से गांजा लेकर ग्वालियर सप्लाई करने आए थे। वहीं पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए 3 तस्करों के खिलाफ नारकोटिक्स अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पंखे से लटककर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं मृतक के पति का कहना है कि कुछ दिन पहले महिला का कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। इसके अलावा मृतिका के भाई ने अपनी बहन की हत्या की आशंका जताई। ये जो है क्या कहते हैं, ये औरत जो थी ये बच्चों को भी ले गई उठा के और हमारी बहन का गला घोटा गया है, लूट भी हुई है। क्या क्या था आपकी बहन के पास जो लूट हुआ? पूरे तो कानों में सोना था,
और नकद पैसा था दोनों कानों में, और पूरी गली बता देगी इसको कि पूरे कानों में सोना पहने करती ही नहीं पहने करती। किस समय का घटना है ये? ये लगभग 10 के बाद में और 12 से पहले। एक लड़के का फोन आया, जैसे आपकी बहू को मार दिया, बच्चे रोते वगैरह, पड़ोसन में फोन करा पीछे वाली इतने में आया तो घर बच्चे रो रहा था। क्या देखा आपने आकर? घर देखा तो सब घर में लुटा पड़ा पड़ा, घर में ऊपर बहू मरी पड़ी। अच्छा, क्या लगता है आपको क्या हुआ? क्या लगता है आपको, कोई दुश्मनी थी आपकी किसी से? मैं दे दुश्मनी आपकी। थाना मजोड़ा के अंतर्गत जयंतपुर चौकी क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि महिला को लटका कर मारा गया और उसके बच्चे का अपहरण कर लिया गया। मौके पर हम लोग गए थे, अपहरण की बात पूर्णतया असत्य थी, लड़की मौके पर ही मौजूद थी। साथ ही मर्डर की बात है तो उस बच्ची ने बताया है कि इन लोगों ने देखा है कि वो महिला जो है फंदे से लटकी हुई थी, इन्हीं लोगों ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला है, साथ ही अंदर से चिपकनी खुली है, जो दरवाज़ा है उस पर धक्का मारने के निशान मौजूद है। हम पुलिस आवश्यक विधि कार्रवाई कर रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और इसके पति की तहरीर के आधार पर जो भी आवश्यक विधि कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं दीप शिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके चलते उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से ये जानकारी दी गई। बताया गया है कि उन्हें कोरोना के बाद कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या बढ़ाने के बाद उन्हें रविवार सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जानकारी दी कि उनकी हालत स्थिर है, उन्हें कुछ दिन डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। बता दें, दूसरे दिन कोरोना के 8000 से ज्यादा मरीज मिले। शनिवार को 8582 केस मिले और एक की मौत हुई। वहीं सबसे ज्यादा 2922 केस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। वहीं बात करें केरल की, तो केरल में 2471 और दिल्ली में 795 केस सामने आए। देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 43,128 रही। शनिवार को देश में कुल करीब 3,00,000 कोविड टेस्ट किए गए। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 2.71% दर्ज किया गया। वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.2% दर्ज किया गया। वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक देश में 4.32 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं देश में सबसे ज़्यादा अधिक 2,922 कोरोना संक्रमित महाराष्ट्र में मिले हैं। यहां बीते दिन 1,392 लोग रिकवर हो चुके हैं। यहां एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 14,858 है। इससे पहले शनिवार को यहां 3,081 नए केस मिले थे। वहीं हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत शनिवार तक 195 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं शनिवार को शाम 7 बजे तक 11,00,000 वैक्सीन के डोज लगाए गए। दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा मानी जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल भी नहीं होगी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पिछले 2 साल भी कोरोना के चलते नहीं हो पाई थी। हालांकि इस साल 12 जून को कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होनी थी, जो सितंबर के दूसरे सप्ताह तक चलती, लेकिन आखिर समय पर ये यात्रा रद्द कर दी गई। वहीं यात्रा कैंसिल करने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। इस यात्रा के कैंसिल होने से व्यापारी भी मायूस हुए। मोदी सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर भाजपा कार्यालय में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अजय टम्टा ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से गरीब जनता को मिल रहा है। कहा कि कोरोना काल में सरकार की चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं के कारण जनता सुरक्षित रही, वहीं सरकार गरीब कल्याण के लिए हमेशा तत्पर है। 20 जून तक सेवा समर्पण और गरीब कल्याण जो हमारा कार्यक्रम सरकार के 8 वर्ष का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ 30 मई को अपने देश के अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने और 31 मई को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ करा और 1 जून से लगातार 20 जून तक ये कार्यक्रम चलना है। इस कार्यक्रम के निमित्त आम जनता बिल्कुल प्रत्येक बूथ तक जो सरकार ने 8 वर्षों में बहुत सारे काम हमारे सरकार ने करा, जैसे हमारे सांसद जी ने अभी बताया, उन कामों को आम जन तक पहुंचाना एक एक कार्यकर्ता का लक्ष्य रखा है। जिससे कार्यक्रम में 8 साल सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के
आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और ये कार्यक्रम अब लगातार नीचे मंडल बूथ तक ही हमारे कार्यक्रम रहेंगे। और 70 साल की आज़ादी के बाद 2014 से लेकर के अभी तक जो हमारे काम केंद्र सरकार के सहयोग से नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से जो अंतिम पंक्ति में वंचित समाज था जिसके पास 8 सालों में वो काम करके दिखाया है जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक जो है सरकार की योजनाओं को पहुंचाएंगे। तो हर वर्ग के लिए हर समाज के लिए मोदी जी ने काम किया है और जनता ने उसे सराहा भी है और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई भी दे रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई क्राइम नहीं हुआ है, फिर भी विपक्षी दल के लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह से हथकंडे केंद्र सरकार अपना रही है जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र का राज है, लोकतंत्र में सत्ताधारी दल विपक्ष को सामान्य नजर से देखता है। इस मामले में नोटिस देकर लोकतंत्र की गरिमा को घटाने का प्रयास किया गया है। इससे हम नाराज हैं, बहुत दुखी हैं और हम इसके विरोध में पूरे देश में ईडी दफ्तरों का घेराव करेंगे। नोटिस और समरी का मतलब यह होता है कि भाई हमने किसी को एक मुद्दे को सुना है, उसने अपनी बात कही है, हम आपसे अब पूछना चाहते हैं कि क्या ये मुद्दे की बात ठीक है, तो आपको इस मुद्दे को क्रॉस एग्जामिन करने का और उसके विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिला। अभी उस स्टेज पे केस होगा, जब सुब्रमण्यम स्वामी साहब का क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था या स्टार्ट हुआ था, तो वो खुद हाईकोर्ट चले गए और दिल्ली हाईकोर्ट से उन्होंने प्रोसीडिंग्स को स्टे करा। एक बार फिर राजधानी वासियों को इस मेले का आनंद लेने का मौका मिला है। राजधानी में लगी प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त 12 राज्यों के हस्तशिल्पकारों को अपने उत्पाद का प्रदर्शन विक्रय करने का अवसर मिला है। जगार मेला में शिल्पकार कलाकार अपनी कला के बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिला है, उनके आर्थिक उन्नति में भी मददगार साबित हो रहा है। लोग इस मेले में आकर खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन इस मेले के शुभारंभ के अवसर में विभाग के मंत्री गुरु रुद्र कुमार नहीं पहुंचे थे। के कलाकार जो है इसमें भाग लिए हैं, अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और कोरोना काल में 2 साल बाद जो ये मेला लगा है, कोरोना काल के चलते छत्तीसगढ़ के जो रायपुर वासी हैं इस मेले का आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन इस बार जागार मेले का आयोजन किया गया है और यह करीबन 10 दिन का मेला है। इस मेले में लोग आकर आनंद ले सकते हैं और सभी प्रकार के चीज़ें जो हस्तशिल्प का वह इसमें इसका आनंद ले सकते हैं। MK न्यूज चित्रपटल। जशपुर से रायपुर लौटे CM बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज राहुल गांधी की ईडी में पेशी है, दिल्ली दौरे पर जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी CBI का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कोई बात नहीं है, इसमें ईडी का कोई काम नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल और सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है, नेशनल हेराल्ड के लिए लिया गया था पैसा, ये लड़ाई सत्ते की लड़ाई है, पहले पूर्वज अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अब इनके खिलाफ लड़ेंगे। ईडी में पीसी है, PICC से हम लोग सब जाएंगे। ये ऐसा मसला है जो केंद्र सरकार विपक्षियों को ED, IT, CBI इन सब पे सबका दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। नेशनल हेराल्ड को राशि दी गई थी कांग्रेस पार्टी, नेशनल हेराल्ड के बारे में जानते हैं, नेहरू जी ने स्थापित किया, सरदार पटेल, पंत जी, आचार्य जी, इन सब लोगों ने इसकी स्थापना की। आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ यह अखबार जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, उस अखबार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने उसे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह को जितना ईंट बजाना है बजा लें, क्या फर्क पड़ता है, सांच को आंच क्या। सरकार को बदनाम करने के लिए पुराने वीडियो डालकर अगर उसे 2022 का बताएंगे तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह से देश देश का माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अगर वो अपराधी पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितना बजाना है बजा लें, उसमें क्या फर्क पड़ता है, सांच को आंच क्या। दूसरी बात यह है कि आप सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो बदनाम करने के लिए, अधिकारियों को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए आप इस प्रकार का स्तंभ अपनाएंगे। आप IAS अधिकारी हैं, रहे हैं, ITS के एग्जाम दिए हैं, कलेक्टर रहे हैं, और उसके बाद यह स्तंभ कि कोयला चोरी हो रहा, पुराने 2 साल पुराने वीडियो को आप डालेंगे और कहेंगे कि ये 2022 का है, तो सीधा सीधा ये तो अपराध की श्रेणी में आता है। और यदि सामान्य नागरिक होता तो पर भी कार्रवाई होती, और चूंकि वो और जिम्मेदार हैं, IAS अधिकारी रहे हैं, तो उसका तो अपराध और बड़ा होता है कि आप जानबूझ के प्रदेश में इस प्रकार से वातावरण बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ED ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्होंने इस मामले को दोषपूर्ण कहा है। दरअसल विवेक तन्खा मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य के साथ वह अच्छे वकील भी हैं। बता दें कि उन्होंने ED मामले को लेकर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी देश भर में ED ऑफिस का घेराव करेगी। इस मामले पर राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा से MKN संवाददाता चित्रा पटेल ने सीधी बात की, आइए सुनते हैं। राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा हमारे साथ मौजूद है। नेशनल हरिवंश में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस दिया गया है ED में, आप एक वकील हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये पूरी दोषपूर्ण कार्रवाई है, ये कार्रवाई हो ही नहीं सकती थी। कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, कोई FIR नहीं है, कोई राउंड ट्रिपिंग नहीं है, PMLA अट्रैक्ट नहीं होता है। इसके बावजूद अगर आप कांग्रेस की शीर्ष लीडरशिप को नोटिस देना चाहते हो तो दो, वो आपके सामने आएंगे, आपको आप जो चाहे वो करो, आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों? उन्होंने कुछ कोई उन्होंने ऑफेंस कमिटी नहीं किया है, कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है। तो ये जो तरीका है BJP का, ये तरीका डराने का है, धमकाने का है। आप ये ओल्ड स्ट्रैटेजी हो गई है, BJP को बदलनी चाहिए स्ट्रैटेजी। अब लोग डरते नहीं है स्ट्रैटेजी से, इन्होंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है कई स्टेट्स में, अब लोग सब जगह इसका प्रतिकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और इस अब BJP को एक एक करके हर स्टेट से भागा आउट कर रहे हैं। मोदी सरकार अचानक से हावी कैसे हो रही है कांग्रेस में? क्या कांग्रेस की रणनीति फेल है क्या? कांग्रेस की रणनीति फेल नहीं है, मोदी सरकार का फेलियर ही है। कोई गलत कार्रवाई करता है तो कांग्रेस का क्या फेलियर है? अरे जो कर रहा है उसका फेलियर है कि तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारे तरीके गलत हैं, तुम प्रजातांत्रिक हो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते हो, तुम अपनी इंस्टीट्यूशंस की डिवेल्युएशन कर रहे हो, तुमने अपने तुम ED, IT और CBI की बैसाखी पर चलने की तुम कोशिश करते हो। क्या ये पॉलिटिकल पार्टी है? कोई पॉलिटिकल पार्टी का इनके बैसाखियों पर चलती है? अरे पॉलिटिकल पार्टी को अपने पॉलिसी और प्रोग्राम्स में लोगों के बीच में जाना चाहिए। ये बहुत ही गलत हो रहा है देश में, प्रजातंत्र खतरे में है। विरोध कैसे जताएंगे आप? कल पूरे इंडिया में इसका विरोध जताया जाएगा। तो ये थे मध्य प्रदेश के सांसद विवेक तन्खा। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ED ने नोटिस दिया है। रायपुर पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसके चलते राजधानी में अलग अलग जगह पर कार्रवाई करते हुए 24 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर पहले से हत्या जैसे संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियां गिनवाने भाजपा अभियान चला रही है। इसी के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रैली निकाली, जिसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी शामिल रहे। रैली में युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, अध्यक्ष, महामंत्री और कार्य समिति के लोग मौजूद रहे। मोदी जी के शानदार कार्यकाल को लेकर के आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बिल्हा विधानसभा के द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया और भव्य बाइक रैली आज सवेरे 10 बजे से निकाली गई और अभी 6 बजे उसका समापन हो रहा है। इसमें पूरे युवा मोर्चा के हमारे सभी मंडल के कार्यकर्ता
अध्यक्ष, महामंत्री और उनके सभी कार्य समिति और पदाधिकारी उपस्थित हुए। मोदी जी के शानदार कार्यकाल के बारे में गांव-गांव में जा कर के उसको विस्तार से चर्चा किए और उसको बताए हैं और लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। आप देखते रहिए तमाम खबरें MK News पर। नमस्कार।